सरफेस पे जाएगा, सरफेस पे आवेश आएगा, इसके अंदर ले जाएगा। तो यहाँ अंदर हमने क्या कहा, क्यू बराबर जीरो, इसके अंदर क्यू जीरो है, और जब क्यू जीरो है तब ई विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, जीरो होता है, एक्टिविटी भी जीरो हो जाता है, लेकिन बी जीरो नहीं होता। तो बी के लिए हम कहते हैं कि जितना वर्क डन उसकी सरफेस के लिए करना पड़ेगा, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से अनंत से उसकी सतह तक लाएंगे, वही कार्य अपने को उसके अंदर तक भी करना पड़ेगा। तो उसके अंदर के लिए हमने कोई अलग कार्य नहीं करना पड़ा, इसलिए हम कहते हैं कि जितना इसकी सरफेस के लिए है उतना ही इसके अंदर के लिए बराबर पावर। अब अपन को एक मोल नहीं है, कितना मोल है, आधा मोल है। तो आधा मोल के लिए करेंगे हाफ मोल CO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को विभाजित करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले आप एक केंद्र को विभाजित करो, अगर उस मोटा में लवण की मात्रा भी विषय तो भी जनता उसे सब कम हो जाएगा, तो सभी कारण हुआ ना कि हमें तो वही कारण ढूंढना था कि अवशोषण कम क्यों हो जाता है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो जितने भी अंजय लवण ज़्यादा होंगे मृदा के अंदर, तो जल अवशोषण करना मुश्किल हो जाएगा। क्या किया था इनको पूरा थ्योरेटिकल समझा, ये आपने नोट कर चुके, कुछ नहीं। फर्स्ट मैंने क्या कहा था, हिंदी मीडियम कॉलेज में उठता हूँ, डिफाइन किया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पूरी तरह।